इस कुलचे को अगर आप एक बार घर में बनाकर खा लिया तो रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद नहीं करेंगे। तो आज मैं बिना यीस्ट और ओवन के बनाने वाली हूँ, फिर भी बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है और बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं तावे से बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अमृतसर के फेमस मसाले कुलचे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने छोटा बाउल में लिया है 2 बाउल मैदा और 1 चम्मच मैंने चीनी लिया है और 1 चम्मच इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेना है। और ये देखिए, मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच देसी घी है। आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं इसके जगह पर। तो इसी टाइम पे अगर आप दही ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसमें दही ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर भी मेरा बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है, मैं आज बना के आप लोगों को दिखाऊंगी बिना दही के। और मैदा के जगह पर आप लोग गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो मैदा से ही बनता है कुलचा। तो ये देखिए, मैंने पैन रख दिया और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जो आटा एकदम सॉफ्ट डो लगाया है। और मैंने ये लिया है, देखिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। 1 प्याज मैंने लिया है और 2 चम्मच सरसों तेल डाला है, 1 गाजर लिया है और 1 शिमला मिर्च लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे भी साथ में हम भून लेंगे। ध्यान रहे, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची होना चाहिए। ज़्यादा पकने के बाद फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं होता। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और मिर्ची, 2-3 मिर्ची मैंने कट करके ले लिया है। और ये मैंने लिया है, हरा मटर है और 2 आलू मैंने बॉयल कर लिया था और हरे मटर को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और नमक ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और सभी को एक साथ। अब ये देखिए, मैंने देसी चिंस कोम्बो मसाला लिया है, जो कि इसमें सभी मसाले का फ्लेवर मिलता है। तो 1 पैकेट इसमें हम ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और ये मैंने पनीर घर में ही जमाया है, 100 ग्राम पनीर है, तो इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी ऐड कर दिया है। तो ध्यान रहे, 2 मिनट आलू और मटर डालने के बाद 2 मिनट तक पकाना है, भुनना है, फिर इसके बाद ये जो पनीर है इसे ऐड करना है। तो इसको भी 2 मिनट तक हम भून लेंगे। अब ये हमारा हो चुका है, लास्ट में ही पनीर डालना है। अब निकाल के इसे ठंडा कर लेते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए, जो आटा लगाए हैं उसे देख लेते हैं, तब तक ये ठंडा हो रहा है। तो ये भी देखिए, 10 मिनट हमारा हो गया है, मैदा अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम बराबर लोई बना लेंगे। तो ये लोई बना के इस तरह से बेल लेना है, तो इस तरह से बेल लेंगे। अब आइए, इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। तो ध्यान रहे, स्टफिंग अच्छे से भरना है, तब मसाला अच्छे से रहेगा, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो कम ना डालें, इस समय कंजूसी नहीं करना है। और देखिए, हल्के हाथों से इसे बेलना है, तो हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि फटे ना, नहीं तो इसको दबा के बेलेंगे तो फटने का चांस है, इसलिए इस समय थोड़ा ध्यान से बेलें। तो बेल लिया। अब ऊपर से देखिए, मैं ये काली तिल जो है तो इस तरह से हम फैलाएंगे इसके ऊपर, और धनिया पत्ती, तो इस तरह से फैला के फिर ऊपर से हल्के हाथों से बेल लेना है ताकि अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो हल्के हाथों से ही बेलना है, और ना तो ज़्यादा बेलते समय ना ज़्यादा मोटा करना है ना पतला करना है, मीडियम रहेगा। और इसके जगह पर ये काली तिल अगर आपके पास ना हो तो आप कलौंजी भी ले सकते हैं, मगरला। तो एक तो मैंने बेल लिया, अब दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ। तो सूखा आटा डस्ट करना है, फिर इसे लेके इस तरह से बेलना है, स्टफिंग भर लेना है। ध्यान रहे, स्टफिंग भरते समय थोड़ा ध्यान से इसे इस समय सील करना है, यहाँ थोड़ा वो रहेगा तो खुलने का चांस है। अब देखिए, इसमें भी हम इसी तरह से फैला लेंगे तिल और धनिया पत्ती को, तो इस तरह से करके। और दूसरा भी हमारा बेल गया, तो जितना हमें बनाना है सब इसी तरह से बना लेंगे। अब आइए इसे सेकने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, मैंने लिया है नॉनस्टिक तवा और इस अच्छे से इसे गर्म होने देना है, फिर इसके ऊपर पानी इस तरह से डालेंगे
तो पानी इस तरह से डालेंगे, फिर कुलचे को आराम से रख देंगे और रखने के बाद ढक देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से ढकने रहने देना है, फिर इसे हटा के चेक करेंगे। तो ये भाप से 2 मिनट में पक जाता है अच्छे से। आप देख सकते हैं साइड साइड से बबल्स निकल गया है, तो पक गया है उस तरफ का। अब पलट देते हैं, इधर भी पकेगा। और पलटने के बाद ये देसी घी मैंने लिया है, इसके जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा लेंगे और दोनों साइड से हम लगा लेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है और फूल भी रहा है। तो इस तरह से हम दबाएंगे साइड साइड से, इस तरह से दबाएंगे तो ये फूल जाता है बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से बन भी जाता है। ज़्यादा कोई वो नहीं है बनाने में, एक बार ट्राई करके देखिए, कोई झंझट नहीं है बनाने में। अब इसे निकाल लेंगे और दूसरा भी सेम प्रोसेस से हम डाल लेंगे, दूसरा भी सेम। इसी तरह आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। तो पानी जिस तरह से मैंने डाला और इसी तरह से आप करके तवे पर बना सकते हैं। तो सभी कुलचे को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फिर जो हमारा बच्चा है हम इसे भी बना लेते हैं इसी तरह। तो इस तरह से प्रेस करते रहेंगे साइड साइड से, तो सभी कुलचे आपको फूलेंगे। तो बनकर हमारा सभी कुलचे रेडी हो गया। तो देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, देखने में जितना अच्छा दिख रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो एकदम सॉफ्ट बना है, देखिए एकदम मुलायम सॉफ्ट, बिना दही के भी आप बना सकते हैं कुलचे। तो मैं देखिए बीच से इसको दिखा रही हूँ तोड़ के, तो पतला है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और पक गए हैं अंदर से अच्छे से। इसका लेयर कितना अच्छा दिख रहा है। और मैं यहाँ छोले के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।